बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर आई है जिससे पाकिस्तान की शदीद बदनामी हुई और इस सूरत हाल के अंदर वही काम हो रहे, एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा। जब जिस मुल्क के अंदर आपने वजीर और मशीर इनको गालियां देने के लिए रखा हो, एक धेला आप अपोजिशन से चोरों से निकलवा ना सके तो उस मुल्क में यही हाल होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मलेशिया के अंदर एक फ्लाइट आ रही थी कुआलालंपुर से पाकिस्तान, और जब वो फ्लाइट उड़ने वाली थी, टेक ऑफ के लिए तैयार थी, तो उस वक्त स्पेशल फोर्सेस के लोग आए वहाँ पर मलेशिया के। उन्होंने आकर पायलट को कहा कि आप ये तैयारा नहीं उड़ा सकते, ये हमारे पास अहकामात हैं अदालत के, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा तैयारा तहवील में ले लिया गया। जो पाकिस्तानी आने वाले थे वो भी अब वहाँ पर स्टक है, कुछ उनका पुरसाने हाल नहीं, और PIA का पूरा स्टाफ भी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये सूरत हाल क्या पेश आई, अब आप ज़रा समझिएगा और इस पर सोचिए कि इस वक्त मामला किस लेवल पर जा चुका है आपकी बदनामी का। एक मलेशिया आपके साथ रह गया था जो आपके साथ खड़ा होता था, लेकिन चूंकि अदालत के अंदर मामला गया, हुआ यूँ कि पाकिस्तान ने वियतनाम से यानी वेट एयर से बहुत सारे एयरक्राफ्ट लीज पर लिए। अब एयरक्राफ्ट की लीज के लिए दो टर्म यूज होती हैं, एक होती है ड्राई लीज, एक होती है वेट लीज। आप अगर वेट लीज की टर्म यूज करते हैं तो उसमें होता यू है कि आप एयरक्राफ्ट भी लेते हैं, उनका फ्लाइट क्रू भी लेते हैं, और समटाइम्स आप फ्यूल भी लेते हैं, यानी एक मुआहदा होता है जो एयर ब्लू ने हालिया वियतनाम के साथ किया। अभी सूरत हाल के अंदर एक मुआहदा होता है ड्राई लीज। ड्राई लीज का मकसद ये होता है कि फ्यूल भी आपका अपना होता है, फ्लाइट क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो सारे वो भी आपके अपने होते हैं, आप सिर्फ एयरक्राफ्ट लेते हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो एयरक्राफ्ट चलता है। अब पाकिस्तान ने वियतनाम से लिए वेट एयर से, और इस सूरत हाल के अंदर लीज पर एक मामला चलना शुरू हो गया। अब एक केस चलता रहा UK के अंदर और स्टिल अभी तक वो चल रहा है। वियतनाम की कंपनी ने कहा कि आपने हमें लीज पर जो पैसे थे वो प्रॉपरली टाइम पर अदा नहीं किए। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का, चूंकि ये तैयारा जाता था मलेशिया के अंदर, वहां से इन्होंने लेकर आना और जाना, इन्होंने आगे काम ये किया कि मलेशिया की अदालत के अंदर ये वियतनाम की कंपनी चली गई और अदालत में जाकर उन्होंने केस दायर कर दिया कि देखिए यहाँ पर ये आता है, आप ऐसा ऑर्डर जारी करें कि इनका तैयारा हम तहवील में ले सके जब भी आए। अब ये तमाम सूरत हाल से PIA आगाह था, इनके लोग आगाह थे। अब हुआ यू, ना तो ये पाकिस्तान के अंदर है ना इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी खासतौर पर बाहर ममालिक के अंदर जब कोर्ट फैसला कोई देती है तो वो दोनों फरीकैन से पूछती है कि बताइए आपका क्या मौकफ है, या तो सूरत हाल ये हो कि आप जाते ही नहीं है इतने नोटिसेस के बावजूद तो अदालत उनके हक में फैसला दे देती, या आप जाते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है और आप जो एविडेंस और चीज़ें सामने रखते हैं वो काबिले कबूल नहीं होती तो अदालत किसी दूसरे फरीक के हक में फैसला देती है। यही सूरत हाल इस केस के अंदर हुई। अदालत ने जब ये तमाम चीज़ें सुनी, इनको बताया, तो उसके बाद अदालत ने वियतनाम की कंपनी के हक में फैसला दे दिया कि ये एयरक्राफ्ट आपके कब्जे में जा सकता है। अब सूरत हाल ये हुई, यही एयरक्राफ्ट जब गया यहाँ पर, तो उसके बाद जब उड़ने लगा था तो चूंकि अदालत का फैसला आ चुका था, इसमें ना तो इमरान खान कभी महातीर से बात कर सकते, इवन कि अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर भी होते, ये अदालत का फैसला है। कंपनी ने जाकर कहा, अब पूरी दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा बेइज्जती की अलामत क्या है कि आपका एक तैयारा उड़ने लगा था और उस वक्त स्पेशल फोर्सेज आती हैं और आकर कहती हैं कि आप उड़ नहीं सकते, आप इसको साइड पर लगा दें, और तमाम लोग वहाँ पर खज्जल खराब हो रहे। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक्य। देखिए, जब इनको पता था कि वहाँ पर केस चल रहा है, केस उन्होंने जीता है, तो इस सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए था कि उनसे बातचीत करें, ना कि ऐसी सूरत हाल पेश आए कि आप वहाँ पर जाएँ, वो आपका तैयारा तहवील में ले लें और उसके बाद उसको उड़ने न दें। पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती की अलामत है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो तैयारे हम लेते हैं ये 10-10 साल उनकी एयरलाइंस पहले से चला चुकी हैं, और पहले से चलाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया, यूरोपियन फ्लाइट्स के लिए वो लेकर जा चुकी। आप ये देखें कि हमारे गुलाम सरवर, जो कि एक इंतहाई परले दर्जे का ना अहल तरीन वजीर इस वक्त कैबिनेट के अंदर है, ये काफली के साथ भी होता है, यही लोग नून लीग के साथ रहते हैं, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी रहते हैं, यानी जहां पर इनको असल में आसानियां मिलती हैं ये चले जाते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसकी वजह से ऑलरेडी वियतनाम ने पाकिस्तान के पायलट्स का जो स्कैंडल आया, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को जो उनकी एयरलाइंस के थे इनको जहाज उड़ाने से मना कर दिया कि आप फेक लाइसेंस वाले हैं। अब वो स्कैंडल अभी तक थमा नहीं है तो नया एक स्कैंडल खड़ा हो गया।
आप ये देखिए कि गुलाम सरवर के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई, बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह पाकिस्तान में शुगर माफिया, चीनी माफिया, अब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मैं असल में तब्दीली लाना चाहता था, तब्दीली मैं इसलिए नहीं ला सका क्योंकि बहुत सारे जो लोग निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो चाहते ही नहीं है कि तब्दीली आए, तो मैं माफिया के इर्द गिर्द घिरा हुआ। ये उन्होंने 48 घंटे पहले एक बयान दिया है, जब 2.5-3 साल के बाद मामला यहाँ पर पहुंचा कि वजीर आजम कहे कि मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, तो यहाँ पर निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, तो अभी तक आपने निज़ाम को बदलने के लिए काम ही कुछ नहीं किया। यानी तकरीबन गवर्नमेंट की इस टाइम 60% जो टर्म है वो पूरी हो चुकी है, और हालत यह है कि इस वक्त PIA का स्कैंडल है। आप ये देखें कि अगर कोई ऐसा मसला होता है आप कौम को आगाह भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैबिनेट में उसको डिस्कस करते हैं। अब आप सोचिए ज़रा इंडिया इस खबर को कैसे लेकर चल रहा है कि देखिए जी मलेशिया एक दोस्त रह गया था और पाकिस्तान के हवाले से, इसमें मलेशिया का काम ही कोई नहीं है। कंपनी अदालत जाती है, अदालत से जाकर वो स्टे ले आती है, और उसके बाद मुकदमा वो जीत जाती है, जीतने के बाद वो पूरी तरह पाकिस्तान का जहाज़ कब्जे में लेने के लिए तैयार रहती है। अब इस वक्त मुल्क की हालत आप देख लीजिए किस लेवल पर जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त बातचीत कर रहा है मलेशिया की एयरलाइन से कि आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ मामला करें या कोई स्पेशल तैयारा यहाँ से जाए जो उनको लेकर है, क्योंकि उस तैयारे को वो फिलहाल छोड़ने वाले नहीं है अनटिल के लीज़ के हवाले से हम उनकी पेमेंट जारी करें। रही बात जहाँ तक कि UK के अंदर इसका केस चल रहा है, तो एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, केस जब मकामी अदालत के अंदर चल रहा था तो तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि केस उधर चल रहा है। इन्होंने झूठ बोला और असल कहानी छुपाते रहे कि केस असल में मलेशिया की अदालत के अंदर चल रहा था क्योंकि यहाँ पे तैयारा आता था। अब होगा क्या, आप जरा ये देखिएगा कि PIA का मकाम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ था। एक तो कोरोना आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह हिट हुई, PIA को भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब हम अपने पैरों पर उठने वाले थे, ये चीज़ें हो रही थी, तो फिर माफिया आड़े आ गई। जब आपके मुल्क के अंदर एहतसाब नाम की चीज़ नहीं है, अब आप ये देखिए ज़रा कि एयर एशिया ये दुनिया की एक सबसे बेहतरीन एयरलाइन है, जो लो बजट एयरलाइन है, मलेशियन एयरलाइन है। अभी हमारी बातचीत इनसे चल रही है, हमने काफ़ी सारे प्रपोजल दिए कि आप पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माफियाज की जो एयरलाइंस है वो असल में इनको यहाँ पर आने नहीं देना चाहती कि आप यहाँ पर आएँ और आकर ऑपरेट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा एयरलाइंस ये लो बजट पर ले आएंगी। अब आप मिसाल के तौर पर आपने मलेशिया के अंदर अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, अगर आप कुआलालंपुर से लंकावी जाना चाहते हैं, पेनांग जाना चाहते हैं, यानी ये तकरीबन उतना रास्ता बन जाए जितना लाहौर से कराची तक का है, तो आप जानते हैं इतनी महंगाई के बावजूद वहाँ पर टिकट आपको 6,000 रुपये में रिटर्न मिल जाती है, जबकि आपने अगर पाकिस्तान में कराची जाना हो या लाहौर जाना हो या आपने इस्लामाबाद से कराची जाना हो या कराची से लाहौर आना हो, तो इतनी महंगी टिकट है कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ 6,000। और कभी कभार यहाँ पर सूरत हाल होती है कि 36-36, 40-40 हज़ार पर लाहौर कराची की रिटर्न टिकट आपको मिलती है। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए माफियाज यहाँ पर माल बना रहे हैं, वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई होने देंगे जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। अब आपके सामने ये तमाम चीज़ें हैं, PIA इस वक्त बुरी तरह शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही वजीर और वज़रा ये तमाम पूरी तरह मशीर आपको नज़र आएंगे, गालियां देते आपको यहाँ पर पूरी तरह, जितने बड़े बड़े वजीर हैं मशीर हैं उनका एक ही काम रह गया कि उन्होंने अपोजिशन को गाली देनी। कौम उनसे पूछिए महंगाई, वो कहते हैं अपोजिशन चोर है। कौम उनसे पूछिए कि आपने लूटा पैसा कितना लेकर आए, वो कहते हैं अपोजिशन चोर है। आप चोर है, अगर आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते तो आप नाअहल है। इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है कि चोर इस वक्त खुलेआम घूम रहे हो और आपसे ट्वीट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप नाअहल हो चुके हैं हुकूमत चलाने के लिए। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।